नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बस कुछ ही पलों में वो वक्त आने वाला है जब पूरा देश कोरोना से महायुद्ध लड़ रहे महायोद्धाओं को सलाम करने वाला है, उनका अभिवादन करने वाला है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से आह्वान किया कि वो आज शाम 5 बजे अपने अपने घरों से कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टरों, नर्स, सुरक्षा कर्मचारियों, एयरपोर्ट कर्मचारियों, पुलिसकर्मी और जो लोग भी कोरोना वायरस से सीधे लड़ रहे हैं उनके लिए थाली बजाएं, शंख बजाएं, ताली बजाएं। अब से कुछ ही देर के बाद 5 बजे से अलग अलग शहरों में लोग अपने अपने घरों से कोरोना कर्मवीरों को सलाम करने का प्रयास करेंगे, वो तस्वीरें भी हमारे सामने आएंगी। उसके पहले कैसे अभ्यास किया गया, आप उसकी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। चलो वेब कर ले रिकॉर्डिंग।
का सुंदरा पुकार, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की वंदे मातरम। एक पुकार एक ध्वनि आप देख रहे हैं। शाम 5:04 हो रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह से कोशिशें लगातार जारी हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के कर्मवीरों को सलाम करता हुआ पूरा राष्ट्र इस वक्त एकजुट है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार घंटा बजा रहे हैं गोरक्षनाथ की ये तस्वीरें, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बाबा रामदेव को हरिद्वार से लगातार वो कर्मवीरों को सलाम कर रहे हैं, उनके हाथ में भी घंटा है। और वहीं तीसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए अलग अलग हिस्सों से भी जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद खास, और ये तस्वीरें उन लोगों के लिए जो चल रहे हैं निरंतर, ताकि जब रुके रहे हम और आप तब चलता रहे देश, और उन्हीं को सलाम करती हुई ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अद्भुत। पूरा राष्ट्र एकजुट होकर एक सुर में कहीं तालियां बज रही हैं, कहीं घंटे घड़ियाल के जरिए, कहीं शंख की ध्वनि के जरिए लोग सलाम करते हुए उन कर्मवीरों को नजर आ रहे हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने में लगातार डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। जब तक कि हम कोरोना को खत्म नहीं कर देते और उसके वायरस को देश से बाहर नहीं कर देते। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं। पंजाब से सतेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, जयपुर से शरद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अहमदाबाद से गोपी घांगर हमारे साथ मौजूद हैं। आप गोपी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं शरद आपका। आपके पीछे बहुत सारे लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो इस वक्त हौसला अफजाई करते हुए कोरोना के और उन कर्मवीरों को जो इस वक्त लगातार लगे हुए हैं, एक ऐसे वक्त में भी जब अपने जान का खतरा जिसकी परवाह नहीं करते हुए लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए उनके कदम, दिखाइए पीछे की तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए जयपुर के हाउसिंग सोसाइटी के लोग हैं, और यहां से आप देख सकते हैं कि अपने अपने बालकनी में निकले हैं, जिनके पास जो सामान है वो निकाल कर ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, और एक तरह से दिखाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक कॉल दिया है उस कॉल के साथ हैं, जो योद्धा हैं कोरोना से लड़ने वाले उनके समर्थन के लिए यहाँ लोग निकले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 बजे का कॉल था, लेकिन यहाँ तो 4:30 बजे ही शुरू हो गया। दिन भर का एक अभूतपूर्व कर्फ्यू के बाद जिस तरह का एक माहौल पूरे जयपुर में दिखाई दे रहा है, कहा जा सकता है कि लोगों में जिस तरह से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कॉल दिया है लड़ने का कोरोना के खिलाफ, उसमें लोग अपने सामूहिक जिम्मेदारी के साथ सामने आए हैं। पूरी तरह से जनता कर्फ्यू में घरों में बंद रहे, और जैसे 4:30 का वक्त निकला है अपने अपने बालकनी में निकले हैं। और चलिए मैं दोबारा आपका रुख करूंगी शरद, ठीक है? एक बार चलते हैं सीधे गुजरात। गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोपी, ये टंटन की आवाजें उनके नाम हैं जिन्होंने हमें और आपको भरोसा दिया है कि हम सब बेखौफ रहें। कैसी तस्वीरें दिखाएंगे हमारे दर्शकों को आप? जी बिल्कुल, मैं आपको चित्रा दिखाती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के इस्कॉन प्लेटिना में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। जो योद्धा है, जो कर्मवीर है, उनके लिए ये सलाम की तस्वीरें हैं, और हर कोई बिल्कुल 5 बजते ही बाहर आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं तालियां बजा रहा है कोई, थाली बजा रहा है कोई, शंखनाद कर रहा है। ये कोरोना के खिलाफ जिस तरीके से ये पूरी माहौल हो रहा है उसके खिलाफ जो कर्म योद्धा खड़े हुए हैं, जो लगातार 24 घंटे अपने बारे में ना सोचते हुए लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके लिए ये उनको सलाम है। और यहाँ पे हर कोई हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पे खड़ा हुआ है। आपको हम एक तिरंगे वाली तस्वीर दिखाते, एक छोटी सी बच्ची बालकनी में आके खड़ी हुई है और तिरंगा लहरा रही है। ये सच में अपने आप में ये बेहद दिलचस्प तस्वीर है कि हर कोई यहाँ पे भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, और ये जो तस्वीर है हाथों में तिरंगा लेकर अपने फ्लैग पे तिरंगा लहराना,
ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये एक पूरा इलाका है और यहाँ पे जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया है कोरोना को लेकर और जो लोग और लगातार जो डॉक्टर्स है जो लगातार और सफाई कर्मी है सबसे अहम भूमिका इस वक्त सफाई कर्मी अदा कर रहे हैं कि हर जगह पे जाना सैनिटाइज करना ये सारी चीजें और उन कर्म योद्धाओं को यहाँ पे सलाम किया जा रहा है उनके लिए ये शंखनाद बजाए जा रहे हैं उनको थाली बजाकर उनका अभिवादन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा था कि जनता कर्फ्यू रखे जनता कर्फ्यू लोगों ने रखा आज पूरे दिन लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले सड़कें पूरी तरीके से खाली मैं लौटूंगी आपके पास महत्वपूर्ण तस्वीरें अहमदाबाद की हमारे दर्शकों को आप दिखा रही हैं और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ संजय शर्मा हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं संजय जज्बात की जुम्बिशें उनके नाम है जो कहती हैं कि थमे हुए पहियों के बावजूद हम नहीं रुकने देंगे इस देश को आप अपने आसपास किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं हमारे आसपास एक अजीब अद्भुत तरह की एक ऊर्जा है जो चारों ओर मैं अपने कैमरामैन विनोद से कहूंगा कि वो बालकनियों की ओर दिखाएं गगनचुंबी इमारतों में आसमान तक छूती हुई आवाज कोरोना के प्रति लोगों के जागरण को बताती है और ये बताती है कि जब तक हम जागरूक रहेंगे कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोरोना भी इस उम्मीद में है कि कहीं एक कमजोर कड़ी मिले और वो हमारे समाज के अंदर सेंधमारी कर दे लेकिन सिर्फ एक दिन का जनता कर्फ्यू और ताली थाली बजाना ही काफी नहीं होता ये तो सिर्फ एक अपनी भावना बताना है कि जो सुरक्षा कर्मी पुलिस कर्मी सफाई कर्मी स्वच्छ कर्मी या मीडिया कर्मी स्वास्थ्य कर्मी ये सारे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सड़कों पर उतरे हैं लोगों को जगाए रखने के लिए ये बताने के लिए कि वो क्या करें क्या ना करें कोरोना को कैसे ठेंगा दिखाया जा सकता है इस बारे में बताने को ये उनका अभिनंदन है ये हमारा और आपका भी अभिनंदन है कि हम लोग यहाँ पर लोगों को जगाने का काम हमें मिला है ये मौका मिला है और इसमें लोग हर उम्र के लोग हैं ऊपर से नीचे तक जहाँ तक निगाह जाती है लोग अपनी अपनी बालकनी में आए हैं मैं फिलहाल यहाँ गाजियाबाद के रामप्रस्थ ग्रीन में पर सोसाइटी में यहाँ पर हूँ हाउसिंग सोसाइटी में और यहाँ के लोगों में जबरदस्त उत्साह है लोगों ने सारे दिन घर में रखा तन्हाई में रहना इतना आसान नहीं होता तन्हाई में रहने के लिए आपको अपने आप को जगाए रखने की प्रसन्न रखने की खुश रखने की और व्यस्त रखने की एक तरकीब लगानी पड़ती है ये तरकीब सबसे बढ़िया है कि लोग थालियां बजा रहे हैं तालियां बजा रहे हैं उन लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को जगाए रखने के लिए उन्हें बताए रखने के लिए शंखनाद करने के लिए कि कैसे कोरोना के प्रति हमें जागरूक रहना है और महत्वपूर्ण और ज्यादा हो जाता है संजय एक ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री की ओर से 5 मिनट की अपील की गई थी लेकिन यहाँ पर 5:11 हो रहे हैं पहले प्रैक्टिस की गई और 5 बजे से जो करतल ध्वनि शुरू हुई वो लगातार जारी है पुनीत का रुख कर लेते हैं आप सीधे पुनीत आप कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को और इसके साथ ही भावनाओं का जो ज्वार है वो भी उमड़ रहा है एक ऐसे वक्त में जब देश संघर्ष कर रहा है पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हुआ है और ये लड़ाई तब तक हम लड़ेंगे जब तक कोरोना वायरस को हरा नहीं दिया जाता पैच हो क्या कट गया दोबारा कर दो चलिए पुनीत के पास आवाज नहीं जा रही है सत्येंद्र आपत्ति किस चीज की है यहाँ पे ये बताइए आपको क्या ऑब्जेक्शन क्या नॉन आपको क्या आपने ऑब्जर्व किया इतने हमें कि हम तुम्हें अंदर कर देंगे निकाल देंगे क्या ऑब्जेक्शन मुझे एक चीज बताइए ये सबके सहयोग से ही ये चीज सफल हो पाएगी तो यहाँ आपको गड़बड़ क्या दिख रही है वो बताइए पंजाब से सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुनीत भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सत्येंद्र आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या चले ठीक है देखिए हम यहाँ पर कार्यक्रम को जो है आयोजित कर रहे थे और बड़ा अनुशासित तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है लोग अपनी बालकोनियों में आए थे और जैसे ही 5:05 पूरे हुए लोग यहाँ से निकल गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था कि सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको उत्साह वर्धन करना है हौसला अफजाई करनी है उन लोगों की जो कहीं ना कहीं इस महामारी के खिलाफ सड़कों पर डटे अपने घर परिवार को छोड़ा और कुछ देर पहले तक ये बालकोनियां भरी हुई थी लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था यहाँ पर शंख लेकर आए थे तालियां बजाई हैं थालियां बजाई हैं लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है चंडीगढ़ पुलिस भी पहुंची है शायद इनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर आपत्ति क्या है यहाँ पर जो पहुंची हैं और ये कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम नहीं हो सकता हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था और ये IPS अधिकारी हैं नेहा यादव ये कह रही है कि आप यहाँ पर इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते
देखिए एक जगह पे पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ये बाय डीसी ऑर्डर है। इफ यू हैव घर की बालकनी में घर के लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या पांच से ज्यादा कहीं दिखाई दिया? मीडिया के लिए भी हम ये अपील करेंगे कि मीडिया भी पांच लोगों से ज्यादा एक साथ ना आए, लेकिन आप लोग चले ठीक है, एक दूसरे ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी ड्यूटी है, उसका पूरा सम्मान करते हुए मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। आप पीछे की तस्वीरें भी दिखाएगा और कोशिश कीजिएगा लोगों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि एक जगह लोगों को इकट्ठा होने से मना किया गया है और पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और उनको भी सम्मान देने का ये एक वक्त है, तो उनको भी सलाम जो इस मुश्किल वक्त में भी लगातार अपनी ड्यूटी अपने फर्ज को निभाते हुए चले जा रहे हैं। सीधे रुख कर लेते पुनीत का, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, आपके पीछे भी बहुत सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्यम ना पड़े विश्वास की रोशनी, कम ना पड़े भरोसे का तेल, उसकी अलख जगाए हुए हैं ये लोग। लोगों से बातचीत कीजिए, हालांकि इसके लिए मना किया गया है। पीछे की तस्वीरें दिखाइए। आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम बालकनी में हजारों लोग इस आदित्य अर्बन कासा सेक्टर 78 की सोसाइटी में लोग तालियां बजा रहे हैं, महिलाएं बच्चे बुजुर्ग तमाम लोग अपनी अपनी सोसाइटीज में तालियां बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं उन कर्मवीरों के लिए जो इस वक्त मुश्किल की घड़ी में सड़कों पर आकर के लोगों की मदद के लिए खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। और जो चिकित्सक हैं वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, मीडिया कर्मी जो सड़कों पर आकर के रिपोर्ट कर रहे हैं, पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं, पुलिस कर्मी जो लोगों को घरों में रहने के लिए हिदायत कर रहे हैं उनको घरों के अंदर भेज रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सोसाइटी के अध्यक्ष गुड्डू जी मौजूद हैं। किस तरीके से आपने आज सोसाइटी में लोगों को आने और जाने से रोका? सर, हम अपने रेसिडेंट्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में हमारा भरपूर सहयोग दिया है, ना ही आने जाने की इच्छा व्यक्त करी है, ना ही उन्होंने किसी को बुलाया है। और इसके साथ ही मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जो इतने भी हमारे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको दिखाना चाहूंगा चित्रा एक बार फिर, किस तरह से तमाम लोग यहाँ सेक्टर 78 की आदित्य अर्बन कासा सोसाइटी में हर तरफ जिधर आप देखेंगे उस तरफ घरों के बाहर निकल के महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष, यहाँ तक कि बच्चे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इस वक्त तालियां बजा रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं उन वीरों के लिए, उन कर्म वीरों के लिए जो इस वक्त अपनी जान दांव पर लगाकर सड़कों पर आकर के कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं, इस तरीके हम सीधे रुख करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में उनकी अपील पर आज पूरे देश ने जनता कर्फ्यू में जो अभूतपूर्व सहयोग किया है, मैं प्रदेशवासियों का, सभी व्यापारिक सामाजिक संगठनों के साथ साथ जनता जनार्दन का इसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जनता कर्फ्यू रात्रि 9 बजे तक तो है, लेकिन उसके बाद भी लोग घरों के बाहर ना निकले, ये मेरी अपील होगी। महामारी का खतरा टला नहीं है, ये वैश्विक महामारी है और हम जिस स्टेज में हैं वह थोड़ी सी लापरवाही यह व्यापक रूप से नुकसानदायक हो सकता है, इससे सतर्कता और सावधानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुरू से ही लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात को लेकर के पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं कि इस बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है और इस दिशा में हम लोग पूरी सतर्कता बरतें, पूरी सावधानी बरतें। 9 बजे के बाद भी लोग घरों से ना निकलें, मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि पूरी तरह सतर्कता बरतें। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और हम लोगों ने इस बारे में पूरी व्यवस्था की है कि उपचार की व्यवस्था और इसके प्रति जो भी आवश्यक सावधानियां होनी हैं बचाव के लिए, ये सारी चीजें हम लोग पहले तय कर चुके हैं। जागरूकता के लिए हर ग्राम पंचायत में, हर स्कूल में, हर हॉस्पिटल में, हर धार्मिक स्थल के बाहर हम लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर आदि चस्पा कर दिए हैं। लोग उस सावधानी को देखें,
दिहाड़ी मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, डेली ठेला खोमचा रेहड़ी रिक्शा लगाने वालों के लिए, अन्य उन लोगों के लिए जिनके पास चाहे वो मनरेगा के मजदूर हों, अंत्योदय के कार्ड धारक हों, उन सब के लिए भी राहत पैकेज की घोषणा प्रदेश सरकार पहले से कर चुकी है। प्रदेश के अंदर जो सबसे अधिक प्रभावित जनपद हैं, पहले चरण में जैसे आज जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज सफलतापूर्वक आम जन ने सहभागिता के साथ इसको आगे बढ़ाया है, हम कल से यानी यह कार्यक्रम हमारा कंटिन्यू चलेगा और 15 जनपद पहले चरण में जहां पर कोरोना वायरस से कोई पीड़ित प्रभावित है या उन्हें आइसोलेट करने के लिए कहीं रखा गया है, ऐसे 15 जिले पहले चरण में पूरी तरह लॉकडाउन करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। ये जनपद हैं आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बाराबंकी, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर। अभी बाराबंकी को हमने इसमें नहीं लिया, लेकिन ये जो बाकी शेष 15 जनपद हैं, ये सभी 15 जनपद पूरी तरह लॉकडाउन होंगे। मेरे इन सभी 15 जनपदों के सभी नागरिकों से अपील होगी कि वे कहीं बाहर न निकले, किसी भी कार्य के लिए अनावश्यक भीड़ न लगाएं, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर न जाएं, क्योंकि वे उस स्टेज पे खड़े हैं कि थोड़ी सी लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। और इस दिशा इन 15 जनपदों को पूरी तरह जिला प्रशासन यहां पर पेट्रोलिंग होगी। जनता की सहायता के लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस की पीआरबी 112 के हमारे लगभग 3000 फोर व्हीलर, 1500 टू व्हीलर, ये सुरक्षा के साथ साथ आवश्यक सामग्री पहुंचाने में भी हम इससे मदद करेंगे। इमरजेंसी में अगर किसी परिवार को कोई आवश्यकता होगी, पीआरबी 112 उनकी सहायता के लिए खड़ा होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारे पास 108 की 2200 एम्बुलेंसेज हैं, 102 की 2270 एम्बुलेंसेज हैं और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 250 हैं। ये भी पूरे प्रदेश के अंदर जनता की सुविधा के लिए, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा, इमरजेंसी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध रहेंगी। मेरी इसलिए अपील होगी, एक पहले चरण में 15 जिले जो लॉकडाउन होने जा रहे हैं, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी, हर प्रकार की पूरी तरह लोग बंद रखेंगे, 23 से 25 तक कंटिन्यू रहेगा। हम लोग इसके बारे में कल एक बार फिर से इसका रिव्यू करेंगे। जिन जनपदों में जहां पर खासतौर पर कल और आज में बड़ी मात्रा में मुंबई, सूरत और अन्य जगहों से बड़ी मात्रा में लोग आए हैं, नागरिक आए हैं, उनमें जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ, कुशीनगर, झांसी, गाजीपुर, अयोध्या, बस्ती, बाराबंकी, देवरिया, बलिया, भदोही हैं, संत कबीर नगर, गोंडा, ये सभी जो जनपद हैं, इन सभी जनपदों में जो भी नागरिक हैं जो बाहर से आए हैं, वहां के जिला प्रशासन से भी और जो लोग बाहर से आए हैं, मैं उनसे इस बारे में कहूंगा कि वे अपने घरों में ही रहें, इधर उधर न जाएं, परिवार वालों से मिलने उनके साथ बैठे ना, अलग रहें तो अच्छा रहेगा। प्रशासन भी उन लोगों की सूची लेकर के उन्हें क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करें, जहां पर थोड़ी भी उनके संदेह होता है उन्हें तत्काल आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, उपचार की व्यवस्था निःशुल्क प्रदेश सरकार करने जा रही है। इसके साथ ही जो हमारे शेष नेपाल की सीमा से जुड़े हुए 6 जनपद हैं, उन जनपदों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और पीलीभीत,
इन सभी 6 जनपदों में भी, नेपाल से सटे हुए जनपदों में भी लोग सतर्कता बरतें। मेरी अपील होगी कि जो लोग नेपाल से या बाहर से कहीं से आए हैं वे पूरी तरह अपने घरों में ही रहें, घरों में भी परिवार के सदस्यों से दूर बैठ रहें, और कहीं भी उन्हें कोई संदेह होता है तत्काल उसकी सूचना दें, और प्रशासन भी इस बात का संज्ञान लेगा, प्रत्येक के घर में टीम जाएगी, देखेगी, इन चीजों को करेगी। अगर किसी को कोई संदेह हो या कहीं पर कोई व्यक्ति को लगता है कि उसको कोई आवश्यकता, इमरजेंसी में किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, तो आप पीआरबी 112 को संपर्क करेंगे, या फिर अगर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो, हमने डायल फ्री नंबर जारी किए हैं, इसके अलावा डायल 108 और 102 के साथ साथ हमारा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी हर जनपद में जनता की सुविधा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। 23 से 25 तक उत्तर प्रदेश परिवहन की सेवाएं भी पूरी तरह बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी सेवाएं एक तो बंद रहेंगी, साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को पूरी तरह बंद करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से कोई भी बस सेवा न नेपाल के लिए जाएगी, न बिहार के लिए, न झारखंड के लिए, न मध्य प्रदेश के लिए, नहीं हम इसको राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली के लिए, कहीं के लिए भी नहीं होगी। यानी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी भी हमारी पूरी तरह बंद हो जाएगी। 25 तक हम इसको पूरी तरह बंद करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं जनता से अपील करूंगा कि हम अपना पूजा, धार्मिक या मजहबी कर्म जो भी हो अपने घरों में करें, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में एकत्र न हो। हमें पूजा, हवन या जो भी नमाज आदि जो भी करना हो अपने घरों में हम करें, एकांत में करें, अकेले करें, सामूहिक रूप से न करें। ये धार्मिक कर्मों को भी हम करने के लिए सावधानी बरतें, और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन हर एक जनपद में, खासतौर पर जिन्हें पहले लॉकडाउन कर किया जा रहा है, इन्हें पूरी तरह सैनिटाइज करने की कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। क्लीनिंग की कार्रवाई हमारी पिछले 3 दिन से अलग अलग जनपदों में निरंतर चल रही है, लेकिन यह 3 दिन जो हमें अतिरिक्त मिलेंगे, हम पूरे जनपद को क्लीनिंग के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। इस दिशा हमें जनता के व्यापक हित में, प्रदेशवासियों के स्वस्थ और सुरक्षित होने के हित में ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रदेश और देश के व्यापक हित में, प्रदेश की 23 करोड़ जनता, देश की 130 करोड़ जनता के स्वस्थ और सुरक्षित होने के लिए हम लोग तात्कालिक रूप से इन जो है जो तात्कालिक कदम उठाए जा रहे हैं, इन तात्कालिक कदमों का समर्थन करेंगे, इनके साथ सहयोग करेंगे। ये मेरी पूरी प्रदेशवासियों से अपील होगी। मैं एक बार फिर से कोरोना वायरस के महामारी को, जो एक वैश्विक महामारी बन चुकी है, इस वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में प्रत्येक नागरिक से सपोर्ट करने, उनके समर्थन की अपील करते हुए अनुरोध करूंगा कि आज जो निर्णय प्रदेश सरकार को उठाने पड़ रहे हैं, इनमें उनका समर्थन जनता कर्फ्यू की ही तर्ज पर प्राप्त होगा, और कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे बीमारी बढ़े या अनावश्यक रूप से ये बीमारी का फैला हो, संक्रमण को आगे बढ़ने में मदद मिले, ऐसा कोई भी कार्य न हो, ये मैं जरूर सबसे अपील करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां पर 23 करोड़ की जनसंख्या, और उसके मद्देनजर जो बड़ी जानकारी उनकी ओर से दी गई वो ये, 15 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। उनका कहना है 23 से 25 लगातार, और कल हम फिर रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे आगे के मद्देनजर हम कैसे कदम उठा सकते हैं, क्योंकि लोगों के हित के लिए ये फैसले लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये बड़े ऐलान यूपी के सीएम की ओर से किया गया, और यहां पर दिखा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तस्वीरें। देखिए करतल ध्वनि से तालियां बजाकर किस तरह से जो
कोरोना के कर्मवीर हैं उनको सलाम करने की ये कोशिश। अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आती है। हमारी सुरक्षा में जवान जो तैनात रहते हैं वो भी इस वक्त तालियां बजाकर हौसला बढ़ाते हुए उन लोगों के लिए और इस वक्त जिनको सलामी दी जा रही है, जिनको पूरा देश नमन कर रहा है, जिनका आभार जता रहा है, वो है इस देश के डॉक्टर, नर्सेज, हॉस्पिटल के स्टाफ, एयरलाइंस के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, रेलवे, बस, ऑटो सुविधा से जुड़े हुए लोग और साथ ही होम डिलीवरी करने वाले लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिनको आभार व्यक्त करने की बात कही गई थी उन कर्मवीरों को सलाम करते हुए देखिए ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अभी आप जेपी नड्डा साहब को देख रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने पूरे परिवार के साथ। और यहां पर एक तरफ जहां घंटा बजाया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ शंखनाद भी हो रहा है। अपने अपने तरीके से जिसको जो भी मिल रहा है उसके हिसाब से आभार व्यक्त करने की ये कोशिश। राजनाथ सिंह की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, देश के रक्षा मंत्री, वो तालियां बजाकर कैसे हौसला अफजाई करते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए हमारे देश के कर्मवीरों को जो इस मुश्किल वक्त में भी एक ऐसे डोर को पकड़े हुए हैं जिससे उम्मीदें हमारी जिंदा हैं और उन उम्मीदों पर आगे की ओर बढ़ता हुआ ये राष्ट्र पूरी तरह से एकजुट। नागपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति, लेकिन वहां पर भी लोग खुद को लड़ने के लिए कैसे तैयार रखे हुए हैं। एक छोटा सा मासूम बच्चा, ये तस्वीरें। फिलहाल सीधे हम रुक कर लेते हैं कोलकाता का। मनोज्ञा लोहिवाल हमारी सहयोगी कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, आपने क्या अनुभव किया वो पांच मिनट, शाम पांच से 5:05 तक का, जरा अपने दर्शकों को आप बताइए। मनोज्ञा के पास हम चलेंगे, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं और इन तस्वीरों को देखकर वो चंद लाइनें भी जेहन में अपने आप उमड़ आती हैं जिसमें हम कहते हैं हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। लेकिन उसकी लाइनें थी दूसरे खुद की जय करें, लेकिन आज का वक्त, ये जो वक्त रहा ये उन लोगों की जय के लिए रहा जिनकी वजह से हम और आप अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, क्योंकि 2400 घंटे सातों दिन ये लोग लगातार लगे हुए हैं। नागपुर, अहमदाबाद, अमृतसर, नोएडा, जोधपुर, जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो लोग निरंतर चल रहे हैं ताकि जब हम रुके रहें तो ये देश चलता रहे, जिन्होंने अपनी नींदें नीलाम कर दी हैं हमारे और आपके विश्वास की खातिर बिना कोई मोल लिए, जिन्होंने अपने जज्बात तो बना डाला हमारी उम्मीदों का दीपक। ये उनके लिए उनका आभार व्यक्त करता हुआ पूरा हिंदुस्तान आज एक साथ खड़ा हुआ है और उसी की तस्वीरें कुछ देर पहले की जो हमारे कैमरे ने कैद की है, ये तस्वीरें भावनाओं को भरने वाली हैं। ये तस्वीरें अमृतसर की, इस वक्त पंजाब के अमृतसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब अपनी अपनी बालकनी में खड़े होकर लोग आभार ज्ञापित करते हुए नजर आए उन लोगों के लिए जिन्होंने जला दी है अपने जज्बात की बाती हमारी और आपकी जिंदगी के खातिर, ताकि मध्यम ना पड़े विश्वास की रोशनी। उन्हें सलाम कर रहा है आज पूरा देश, दुआएं उनके नाम कर रहा है पूरा देश, जिनकी वजह से हम और आप अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, महफूज हैं और आगामी खतरे के मद्देनजर पूरी तरह से तैयार हैं। गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें आज ही एक दुखद खबर गुजरात के सूरत से सामने आई, जब सूरत में 67 साल के एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण जान चली गई। आज ये खबर महाराष्ट्र से सामने आई जहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिहार में भी एक शख्स की जान चली गई और आज के दिन ही तीन तीन लोगों की मौत, वो भी उस समय जब पूरा देश जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में लगा हुआ था। और इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमृतसर की, नागपुर, अहमदाबाद, ये अलग अलग तस्वीरें। हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी की नेता, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री किरण बालिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले भावनाओं को भर देने वाली ये तस्वीरें हैं, मैं चाहूंगी इन पर टिप्पणी आप जरूर करें, उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी। निश्चित तौर पर राष्ट्र जो है किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एकजुट होकर खड़ा हुआ, हम लोगों ने अपने जीवन काल में लाल बहादुर शास्त्री जी को तो नहीं देखा, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखा है। नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिस तरह से सेवाभावी लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं के प्रति सम्मान भरने के लिए जिस तरह से लोग एकजुट हुए, सब ने जो है वर्ण, पंथ, धर्म, जाति, राजनीतिक अपनी निष्ठाएं, इन सब से ऊपर उठकर जिस तरह से समर्थन दिया है एक राष्ट्र के रूप में,
माँ भारती के सपूत जिस तरह से एकीकृत हुए हैं, ये निश्चित तौर पर भावाविवेश उत्पन्न करने वाला क्षण है। लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र दरअसल यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी की ओर से इसलिए किया गया, 1964 में देश में खाद्यान्न संकट था, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से देश की जनता से अपील की गई थी कि हफ्ते में एक दिन का खाना वो लोग नहीं खाएं, और ऐसा करते हुए समूचे राष्ट्र ने हफ्ते में एक दिन का अन्न त्याग दिया था, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। इसी वजह से लाल बहादुर शास्त्री को याद किया है यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी ने। किरण बालिया जी, मैं आपका रुख करते हुए इन तस्वीरों पर मैं आपकी भी टिप्पणी जरूर चाहूंगी। पूरा देश एकजुट है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और उसी की ये जीती जागती तस्वीरें हर हिस्से से सामने आ रही हैं कि लोग किस तरह से कोरोना के कर्मवीरों को सलाम कर रहे हैं। किरण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए किरण बालिया के पास मैं चलूंगी, लेकिन उसके पहले ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर से योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, जब जैसे ही घड़ी की सुइयों ने पांच बजाए उस समय से ही लगातार वो घंटा बजाते रहे। उनके साथ तमाम लोग भी मौजूद थे, लेकिन एक दूरी के साथ। राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री की भी तस्वीरें, अपने परिवार के साथ करतल ध्वनि से तालियां बजाकर कैसे वो उन योद्धाओं को नमन कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, अब जिनकी वजह से ये देश जिनके हाथों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये तस्वीरें एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर, देखिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों ने एक दूसरे से एक दूरी बनाकर रखी हुई है, जिसकी जानकारी भी बराबर लगातार डॉक्टर्स की ओर से शेयर की जा रही है। इसी वजह से आज तक भी आपसे यही अपील कर रहा है कि एक निश्चित दूरी अगर आप घर के भीतर भी हैं तो भी आप बनाकर रखें। फिलहाल ये छह अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की, नागपुर, नोएडा, अहमदाबाद, जोधपुर, जयपुर और अमृतसर की तस्वीरें, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जो जानकारी दी गई है कि दरअसल कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो खतरनाक है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है इस वायरस का। और ये देखिए आप ये तस्वीरें, प्रकाश जावड़ेकर जी के हाथ में घंटी है और किस तरह से चेहरे पर मुस्कान लिए कोरोना के योद्धाओं को वो सलाम कर रहे हैं। पीछे शंख की ध्वनि भी आपको सुनाई दे रही है, जरा सुनते हैं, उसके बाद सवालों के साथ अपने मेहमानों के पास चलेंगे। प्रकाश जावड़ेकर की ओर से क्या कुछ कहा गया है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें कही अपने दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं जब कोरोना के योद्धाओं को घर से सब लोगों ने बिग थैंक यू कहा, और उसी की ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में बेहद खास। हिंदुस्तान किस तरह से एकजुट है लड़ने के लिए कोरोना वायरस से, ये तस्वीरें उसका जीता जागता सबूत। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को, प्रेम शुक्ला जी ये बताइए, सरकार की क्या तैयारी है, लगातार इसकी जानकारी भी दी जा रही है, लेकिन लोगों में भरोसा पैदा हो सके और लोग तमाम एहतियात बरतें। अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो चिराग पासवान, रामविलास पासवान अपने पूरे परिवार के साथ, देखिए एक निश्चित दूरी भी यहां पर बनी हुई है। प्रेम शुक्ला जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? 10,000 लोगों की प्रतिदिन कोरोना वायरस के संदर्भ में चेकिंग की जा सकती है। जी जी जी, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए, प्लीज आप अपनी बात पूरी करें। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या चित्रा जी? जी जी प्लीज। देखिए 10,000 लोगों के कोरोना वायरस के संदर्भ में जांच करने की तैयारी सरकार ने की हुई है। 60,000 लोगों को इलाज के लिए तत्काल प्रबंध हो सके इस तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। सरकार ने किसी को भी खाद्यान्न की कमी न पहुंचने पाए, जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी न पहुंच पाए, इसकी सरकार ने पूरी तैयारी करके रखी है। जिस तरह से महामारी घोषित करने में तीव्रता दिखाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अमेरिका ने 25 जनवरी के दिन जो है इस संदर्भ में लोगों को सतर्कता आदेश जारी किया। भारत की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के चलते 22 जनवरी को ही ये तैयारी हो गई। जिस तरह से 1,500 से अधिक लोगों को भारत में लाने का काम किया गया, 10 अन्य देशों के नागरिकों की भी रक्षा जो है भारत में भारत के प्रयासों के कारण हो सकी। सार्क देशों के प्रतिनिधियों से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बात की, जिस तरह से G20 देश के प्रतिनिधियों से भी प्रधानमंत्री ने समन्वय साधने का कार्य किया, पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के किसी नागरिक को कहीं पर भी परेशानी न होने पाए, और भारत में भी
किसी भी नागरिक को इलाज मिलने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे देश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने और राज्य सरकारों के साथ समन्वय के कारण पूरी तैयारियां की गई हैं। कोरोना से निर्णायक युद्ध जीतने की तैयारी एक राष्ट्र के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में की गई है। सर, मैं आपके पास लौटूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है, जल्दी से अपने दर्शकों को उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा है, ये धन्यवाद का नाद है लेकिन साथ ही एक लंबी लड़ाई में विजय की शुरुआत का भी नाद है। आइए इसी संकल्प के साथ, इसी संयम के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को बंधनों में बांध लें। सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहां पर प्रधानमंत्री कहते हुए आगे वो लिखते हैं कि कोरोना वायरस की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देश ने एक मन होकर धन्यवाद अर्पित किया है। देशवासियों का बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके देशवासियों का आभार व्यक्त किया गया है, क्योंकि उनकी ओर से भी। फिलहाल आप ये देख रहे हैं पंजाब के अमृतसर की तस्वीरें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी उनकी ओर से कहा गया था कि बीते दो महीनों से ज्यादा वक्त से लाखों लोग अस्पतालों में, दफ्तर में, सड़क की गलियों में दिन रात काम करने में जुटे हुए हैं। चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, हॉस्पिटल का स्टाफ हो, एयरलाइंस कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, इन सब लोगों को धन्यवाद देने के लिए हम आगे निकले। ये तमाम वो लोग हैं जो अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती। ये खुद भी संक्रमित होने का खतरा मोल लेते हैं लेकिन उसके बावजूद अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। ये अपने आप में राष्ट्र रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर खड़े हुए हैं। ऐसे सभी छोटे बड़े व्यक्तियों और संगठनों का ये राष्ट्र कृतज्ञ है और उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए राष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, घर की महिलाएं देखिए किस तरह से थालियां बजाती हुई। आमतौर पर हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में परंपरा रही है, थालियां उस वक्त बजाई जाती हैं जब बच्चे का जन्म होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी उसमें ताली भी थी, थाली का भी जिक्र था, शंखनाद की भी बात कही गई थी, घंटी का भी जिक्र किया गया था। तो अपने अपने अंदाज में घर की महिलाएं कैसे बालकनी में बाहर निकली और अपने ही अंदाज में धन्यवाद दिया उन कर्मवीरों को। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तमाम दूसरे अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ, देखिए करतल ध्वनि तालियां बजाकर यहां पर धन्यवाद अर्पित करते कोरोना के कर्मवीरों को पूरा राष्ट्र सलाम कर रहा है। और वही अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। और यहां पर आपको बता दें कि सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं बल्कि विपक्ष के भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने आगे आकर बढ़ चढ़कर आज के इस मौके पर उन कर्मवीरों को सलाम किया है। शरद पवार की ओर से आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बड़े नेता, उनकी ओर से भी ट्विटर पर जो तस्वीरें मैं देख रही हूं, तालियां बजाकर हौसला अफजाई की गई है। और ये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें क्या कहती हैं प्रेम शुक्ला जी? ये तस्वीरें भारत की एकजुटता की प्रतीक है। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में आसुरी शक्तियों से निजात पाने के लिए शंख ध्वनि किया जाता है। शंख ध्वनि के माध्यम से, तालियों के माध्यम से सोहर की जो हमारी परंपरा है, शुभता की जो परंपरा है, अशुभ शक्तियों को दूर करने के लिए सकारात्मक शक्तियों के आवाहन के लिए ताली बजाना, तुरही बजाना, निनाद करना, ये हमारी परंपरा। तो उस परंपरा को जो है एक बार से पुनर्जीवित किया गया, लोगों की चेतना को पुनर्जागृत करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। और उसका सबसे सकारात्मक पक्ष, जैसा आपने बताया कि आदरणीय शरद पवार जैसा जो विपक्ष के नेता भी हैं, लोगों ने राजनीतिक निष्ठाओं से ऊपर उठकर इस महामारी के खिलाफ युद्ध में जिस तरह से साथ दिया है, ये पूरे भारत को एक माले में जोड़ने का जो काम है, एक माला में यह गुम्फित भारत दिखाई दे रहा है हर किसी को जी। और यही जो है हमारी विजय का, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विजय नाथ का प्रारंभ है, हम कोरोना को पराजित करने में सफल रहेंगे क्योंकि भारत का एक एक नागरिक जो है वो स्वयं को सावधानी से सतर्कता के साथ लेकिन चूंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके बारे में जल्दी से बता देती हूं। वहीं मैं सोशल मीडिया के जरिए भी देख रही हूं कि कैसे लोगों ने उत्साह के साथ न सिर्फ संकट की इस घड़ी में हौसला अफजाई की है कोरोना के कर्मवीरों को बल्कि अपने अपने उत्साह को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिशें भी लगातार की जा रही है। अहमदाबाद, अमृतसर, नागपुर, वाराणसी की ये तस्वीरें, ये कृतज्ञता ज्ञापित करने की तस्वीरें, धन्यवाद देने की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त भी, इस समय भी, जब आप अपने अपने घरों में हैं, हजारों डॉक्टर,
बिना छुट्टी लिए उन शहरों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण विस्फोटक स्थिति में है और संक्रमण के करोड़ों विषाणुओं की दहशत के बरक्स उनकी सबसे बड़ी चिंता ये कि अस्पताल से संक्रमण का रत्ती भर भी अंदेशा आपके घरों तक नहीं पहुंचे। ये देश उनकी फिक्रमंदी के एहसानों का कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा। यही वजह है कि इस वक्त ये पूरा का पूरा देश नमन करता हुआ, उन कर्मवीरों को सलाम करता हुआ, देश के हर हिस्से से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे बड़े शहर हो, छोटे शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, हर हिस्से से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर आप जीवनदाताओं के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं तो एक तरफ जहाँ सम्मान ज्ञापित करता हुआ ये पूरा का पूरा देश, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बातों को आप गौर से सुने जो बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें आप और अपने घरों में रहें, घरों से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि संक्रमण का ये खतरा न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को और आपके जरिए दूसरों को भी संक्रमित किया तो फिर स्थिति हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। किरण बालिया जी, कांग्रेस पार्टी की इस वक्त वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण बालिया जी, पूरा देश कृतज्ञ हो रहा है, कोरोना के उन कर्मवीरों को सलाम कर रहा है इन तस्वीरों के जरिए, मैं चाहूंगी आप कैसे शुक्रिया अदा करेंगी। किरण बालिया जी, मैं उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक ये जो हमारे जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो कर्मी हैं, उनकी जो ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, हमारे तमाम वो लोग जो कि समय सड़कों पर देख रहे हैं कि डिसिप्लिन रहे, तो सुरक्षा कर्मी से लेकर मीडिया जो कि सब चीज़ दिखाई जा रहा है और इस पूरे मैसेज को बहुत अच्छे से जिसके ज़रिए लोग समझ रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये जो ध्वनि है ये देश की एकता और देश की जो विजय है इस आज के दिन के ऊपर, उस पर हमारे नागरिकों का भी बहुत बड़ी एक उनके लिए विजय की बात है कि नागरिकों ने जिस तरह से बिल्कुल सड़कों पे नहीं उतरे और उन्होंने एक अनुशासन का परिचय दिया, ये भी काबिले तारीफ है। और जिस देश के नागरिक इस अनुशासन के अनुकूल चलेंगे वहाँ पर बीमारी पर विजय पाना ज़रूर हासिल हो पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं और ये बातें आप चूँकि दिल्ली की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं, आपका अनुभव भी ज़रूर हमारे दर्शकों ने बिल्कुल ध्यान से सुना होगा और इन बातों पर वो गौर फरमाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको देखिए अलग अलग हिस्सों से, छोटे छोटे बच्चे, उनके चेहरे पर मास्क है, हाथों में तालियां बजाते हुए खेलते हुए ये बच्चे नजर आए। लेकिन आपको बताते चले, जनता कर्फ्यू आज सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक है, इसका आप ख्याल जरूर रखें। ये महाराष्ट्र के नागपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगभग ऐसी ही तस्वीरें देश के हर हिस्से से आज तक के पास सामने आ रही हैं। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे जो बॉलीवुड के सितारे हैं और जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने कैसे कोरोना के कर्मवीरों को, योद्धाओं को सलाम किया है उनके शब्दों के जरिए, जरा जानते हैं। थैंक यू पूरा नहीं पड़ेगा, बहुत ही छोटा लफ्ज है, लेकिन नेवरदलेस तहे दिल से मैं उन सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को नमन करती हूँ और हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड के साथ आप सभी को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम, क्योंकि आपको कभी छुट्टी नहीं मिलती एंड बिकॉज ऑफ दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दिस। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा और आप सभी से विनती करता हूँ कि कोरोना वायरस का प्रकोप तथा महामारी से मुक्ति पाना है तो अपना और अपनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देश के पत्र प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का निवेदन स्वीकारें और जनता कर्फ्यू दिवस का साथ दें, करबद्ध प्रार्थना। हम अक्सर कहते हैं काश हमारे पास वक्त होता हमारे बच्चों के साथ बैठने का, हमारे माँ बाप के साथ बैठने का, और हमें हमेशा सोचते हैं कि काश ये होता, आई विश आई हैड द टाइम एंड देयर वाज नथिंग एल्स फॉर अस टू डू, काश हमारे पास कुछ नहीं होता करने के लिए। अब हमारे पास ये वक्त है और वजह भी है, तो गाइज प्लीज़ डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस टुमारो। जैसे आपने कहा है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हमारे देश के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए प्लीज़ घर के अंदर रहिए और जितना हो सके अपने हाथ साबुन से धोइए, हैंड सैनिटाइजर यूज़ कीजिए और दैट्स इट। धन्यवाद।
हाय, मैं हूँ सुरेश रैना। आई होप आप जनता कर्फ्यू को फॉलो कर रहे हैं। प्लीज ध्यान रखिए सब लोग का, आसपास की गैदरिंग का। कोशिश करिए जितना ज्यादा आप घर पे रहें, और इस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, प्लीज फॉलो दैट एंड मेक श्योर कि जितनी भी गैदरिंग सोशलाइजिंग है उसको अवॉइड करिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बताते चले, कोरोना से जंग पर पूरी दिल्ली लॉकडाउन होगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दिल्ली के सातों जिले लॉकडाउन किए जाएंगे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अपील की गई कि प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान तो सुबह से लेकर रात 9 बजे तक के लिए किया, लेकिन आप उसके आगे भी सतर्क रहें। और इन सब के बीच अब ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, दिल्ली के सातों जिले लॉकडाउन होंगे। इसके पहले हम सब ने देखा था कि किस तरह से एहतियातन राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अब से कुछ ही देर पहले मीडिया से मुखातिब थे, उनकी ओर से कहा गया है कि 15 जिले लॉकडाउन किए जाते हैं, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये तमाम जिले शामिल हैं। इन सब के बीच अब दिल्ली सरकार की ओर से ये बड़ा निर्णय लेते हुए फैसला किया गया है कि कोरोना से जंग में पूरी दिल्ली लॉकडाउन रहेगी। दिल्ली के सभी 7 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लगातार जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। उनकी ओर से कहा गया है कि मैम, हम 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और दोगुनी पेंशन प्रदान कर रहे हैं उन लोगों को जो इसको डिजर्व करते हैं। इसके अलावा मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो पेड लीव प्रदान करें, घरेलू मदद में भी हेल्प करें। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। फिलहाल ये बहुत बड़ा फैसला राजधानी दिल्ली में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा उसके मद्देनजर पूरे दिल्ली NCR में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। दिल्ली के सातों जिले होंगे लॉकडाउन, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। राजधानी दिल्ली को लॉकडाउन किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि एहतियातन बड़े कदम उठाए गए हैं तमाम दूसरे राज्यों की ओर से भी, जिनमें महत्वपूर्ण वो राज्य राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 15 जिले जो लॉकडाउन रहेंगे और दिल्ली के सातों जिले लॉकडाउन रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी एहतियातन कदम उठाते हुए कई शहरों को लॉकडाउन किया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें जो इस मुश्किल भरे वक्त में भी हमारी उम्मीदों को जिंदा करती हैं, जगाती हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आती हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आज तक की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दरअसल आज जनता कर्फ्यू के दिन पूरा का पूरा देश सुबह से लेकर इस वक्त तक, क्योंकि 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया, रुका सा नजर आ रहा था। न रेलगाड़ियां चली, न मेट्रो, न दफ्तर खुले, न मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, पूल, सब कुछ बंद। लेकिन वक्त उन लोगों के साथ आगे की ओर बढ़ रहा था जो इस मुश्किल भरे वक्त में भी उन लोगों को बचाने के लिए लगातार लगे हुए थे, अपनी जान को जोखिम में डालकर जीवन देने वालों को सलाम करता हुआ ये पूरा देश। और वही तस्वीरें अलग अलग शहरों की, अहमदाबाद, नागपुर, अमृतसर की ये तस्वीरें। और इन सब के बीच बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, कोरोना से जंग पर पूरी दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया गया है। दिल्ली के सातों जिले लॉकडाउन होंगे। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में भी 67 साल के एक व्यक्ति की जान चली गई थी। वहीं एक खबर सामने आई थी जब सफदरजंग अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति जो छलांग लगाकर जिसने खुदकुशी कर ली थी। फिलहाल दिल्ली NCR पूरी तरह से लॉकडाउन रहेंगे, ये बड़ी जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आई है। ये बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार की ओर से, और हर बड़े कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के मद्देनजर। अब आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर लॉकडाउन क्या होता है। बहुत सारे ऐसे दर्शक जिनको नहीं पता कि लॉकडाउन क्या होता है, थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारी देंगे। हमें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा, सीधे आपको लेकर चलेंगे लाइव। लेकिन क्या होता है लॉकडाउन, उसके बारे में जानिए। लॉकडाउन एक इमरजेंसी व्यवस्था है जो एपिडेमिक या किसी आपदा के वक्त सरकारी तौर पर लागू की जाती है। लॉकडाउन की स्थिति में उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है, घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर की। चाहे
चाहे आम हो या फिर खास हो, लगातार उन लोगों की तस्वीरें सामने आ रही है। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, लेकिन मैं आपको जैसा कि जानकारी दे रही थी, लॉकडाउन आखिर क्या होता है, क्योंकि अलग अलग शहरों को भी अब इसके लिए तैयार रहना होगा। लॉकडाउन की स्थिति में उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती जहाँ पर लॉकडाउन लागू किया जाता है। जीवन के लिए आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की इजाजत दी जाती है। अगर किसी को दवा या अनाज की जरूरत है तभी वो बाहर जा सकता है। अस्पताल और बैंक के काम के लिए अनुमति आपको जरूर मिल सकती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के काम से भी बाहर निकलने की अनुमति दी जा सकती है। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि पैनिक स्थिति क्रिटिकल ना होने पाए, इस वजह से कुछ जगहों पर छूट जरूर दी जाती है। अस्पताल, दवा दुकानों जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहती हैं। सभी प्राइवेट और सरकारी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां और सार्वजनिक परिवहन लॉकडाउन में बंद कर दिए जाते हैं। सभी प्राइवेट सरकारी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, सार्वजनिक परिवहन बंद रहते हैं लॉकडाउन की स्थिति में। दूध, सब्जी, किराना और दवाओं की कुछ दुकानों को खुले रहने की इजाजत जरूर दी जा सकती है। उसमें भी बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिनका पालन करना होता है, और इन दुकानों पर बेवजह की भीड़ नहीं लगाई जा सकती है। फिलहाल ये राजस्थान की जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में भी कई संक्रमित मरीज सामने आए, हालांकि कुछ लोगों को ठीक किए जाने में भी कामयाबी वहां के डॉक्टर्स को जरूर मिलती। हरियाणा की तस्वीरें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने तमाम सहयोगियों के साथ, स्टाफ के लोगों के साथ, एक निश्चित दूरी के साथ यहाँ पर तालियां बजाते हुए, हौसला अफजाई करते हुए, धन्यवाद देते हुए उन लोगों के प्रति ऋणी इस वक्त ये पूरा का पूरा देश, जिनकी वजह से हम और आप अपने अपने घरों में हैं इस वक्त, और एक अदृश्य लड़ाई जिससे लड़ने की कोशिश पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, उस लड़ाई को आप अपने घरों से ही मात दे सकते हैं अगर तमाम एहतियात आप बरतते हो तो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक तरफ करतल ध्वनि, दूसरी तरफ घंटी भी बजाई जा रही है। आमतौर पर घंटे और ये छोटी छोटी घंटियां, शंखनाद तभी होता है जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, लेकिन आज का मौका चूंकि बेहद खास रहा, इस वजह से शाम 5 बजे से 5 मिनट तक देखे देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये तस्वीरें अपने पूरे परिवार के साथ, किस तरह से वो भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन तमाम लोगों को जो योद्धा हैं इस मुश्किल भरे वक्त में हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।